अपने से मलाई का वो लिया, एक कटोरा और मलाई रखिए। थैंक यू यार, काम कराने लगा है, छोटी मोटी चीजें उठा लाता है। तो ऐसे ऐसे दो बाउल भर गए मलाई के, बाउल ही में रखती थी पहले, कटोरे में रखती थी मैं, तो सोच के दोनों निकाल लूं, मतलब दोनों मिला के एक कटोरे के बराबर हो गई है मलाई, तो इनको मैं निकालने जा रही हूँ। ये है कितने दिन की, डेली निकालती भी नहीं है अभी, तो दूध भी कम कर दिया बिल्कुल, 10 दिन की है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही कटोरी की मलाई डाल दी है, और ये देखिए एकदम आइसक्रीम जैसी लग रही है मलाई, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि ये काफ़ी दिन की रखी हुई है फ्रिज में, तो टाइट हो गई, एकदम आइसक्रीम जैसी दिख रही है। तो मैं एक हट्टी इतनी निकालती नहीं हूँ, दो बार में निकालती हूँ, एक बार में नहीं निकालती हूँ, लेकिन अभी मुझे आलस आ रहा था तो मैंने कहा चलो एक बार में ही निकाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ताज़ा पानी डाल दिया है, और बस थोड़ा थोड़ा करके इसको चला के मैं निकाल दूँगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप वैसे ही चला के निकाल लिया करिए, हाथ से ही निकाल लिया करिए सही से, लेकिन मुझे ऐसे आसान पड़ता है, आराम से मैं निकाल लेती हूँ। और अब तो मुझे निकालना ही नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने दूध ही बहुत कम कर दिया है, जो एक पैकेट दिख रहा है आप लोगों को सामने रखे इतना ही आता है अब दूध, ये पहले की है सब मलाई जो भी है, क्योंकि दूध अब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यूज़ ही नहीं करते हैं। मैंने बंद कर दिया, आयान एक बार लेता है लेता है, ज़बरदस्ती उसको भी दूध देती हूँ मैं, और बाकी ये भी चाय नहीं पीते, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ तो फिर ये भी नहीं पीते, तो इसलिए फिर वो यूज़ नहीं होता, तो मैंने बंद कर दिया दूध, मैंने कहीं यूज़ नहीं हो रहा है दूध, तो क्या फ़ायदा लगाने से। तो बस यहाँ पर मैंने आराम से चला दी, ये देखिए सेपरेट होके मलाई पूरी निकल आई है, ये देखिए कितने अच्छे से, तो बड़े आसानी से निकल आती है ऐसे, तो बस मैं इसको निकाल दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना सारा ये मक्खन निकल आया है, तो मतलब घर के यूज़ के लिए ये घी पर्याप्त हो जाता था, लेकिन मैं पूजा में यूज़ नहीं करती थी, दीपक के लिए मैं मार्केट से ही लाती थी, क्योंकि ये दूध हम दिन भर यूज़ करते रहते थे इसलिए, और ये भगोने में रखा था स्टोर, मैंने बताया ना इसीलिए मैंने कम करा है दूध। तो यहाँ पर मैंने इसका पनीर निकाल दिया है, मैंने कहा चलो ये रखा हुआ जो था उसका पनीर बन गया, तो मैंने यहाँ पनीर भी बना लिया, मक्खन भी निकाल दिया। अब मैं कर रही थी खाने की तैयारी, तो यहाँ पर आयान लेके आया है मटर, कुर्सी भी ले आया, यहीं पर चेयर ले आया, कह रहा चलो मैं भी छिलवाता हूँ, तो मैं यहीं काम भी करती जा रही हूँ, बैठे बैठे सब्जी भी काट पीट लूँगी। तो आज मैं मटर की कढ़ी बनाऊँगी, मटर टमाटर की। गंदा हो जाता है, कहीं भी गंदगी हो जाती है, आयान कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, घर गंदा करता रहता है, तो मुझे साफ करने में काफी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने अपने काम को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, सफाई के लिए कुछ मंगाया है, ताकि मैं आसानी से जहाँ कहीं भी कुछ खाने पीने को फैला देता है, कुछ भी कर लेता है, तो मैं उसको आराम से क्लीन कर सकूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आया है, ये है अगारो रेजेंसी का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप, जो कि फ्लोर की क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये है इसका मेन यूनिट, और मेन यूनिट में आपको यहाँ पर दो माइक्रोफाइबर के पैड मिल जाते हैं, जो कि ईजिली इस तरीके से देखिए स्टिक के आराम से रिमूव हो जाते हैं, और इनको जो है यूज़ करने के बाद में आप क्लीन कर सकते हो रिमूव करके, और इसका जो हैंडल है वो ईजिली चारों तरफ रोटेट हो जाता है, कि आपको कहीं भी कोने कोने की सफाई करना तो आराम से कर सकते हैं। ये पानी फिल करने के लिए इसमें दिया हुआ है, और साथ में दो माइक्रोफाइबर के पैड इसके साथ में और आए हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ में आपको इसमें मैनुअल मिल जाता है, लेकिन आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ईजी है, आसानी से आपको पता चल जाएगा इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। और ये आपको वाटर स्प्रे पॉइंट मिल जाता है, और साथ में हैंडल में आपको पावर बटन और स्प्रे के लिए स्विच मिल जाते हैं। तो चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। तो वायर को यहाँ से मैंने फ़िक्स कर दिया, उसके बाद में हैंडल को फिक्स कर दिया है। आप जितना इसकी लेंथ करना चाहते हैं, जितनी दूर पोछा लगाना है उतना बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसको चार्जिंग में लगा दिया है, और इस तरीके से रेड लाइट जलती है चार्जिंग में। तो पहले मैंने पानी फिल कर दिया है, वाटर फिल करने के लिए भी इसमें एक छोटा सा मग दिया है, उसके बाद मैंने इसको चार्ज कर लिया है। और ये देखिए मेरी जहाँ पर ट्रेडमिल रखी रहती है वो काफ़ी गंदा हो रहा है एरिया, क्योंकि जहाँ पर रोज़ रोज़ क्लीनिंग नहीं होती है वहाँ पर गंदगी हो ही जाती है, क्योंकि ट्रेडमिल काफ़ी भारी होती है, तो
हाँ मैंने अभी पावर ऑन किया है उसको, ये देखिए पोछा लगाना स्टार्ट किया है, तो ये कोने कोने की सफाई ये देखिए बड़े आराम से कर रहा है, बहुत अच्छे से ये स्प्रे कर रही हूँ मैं, ये देखिए आगे से स्प्रे वाटर निकल रहा है और साथ साथ में मॉपिंग करता जा रहा है। और मेन चीज़ ये है कि इसमें बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही अच्छी सफाई कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है। बच्चे जब जिस घर में रहते हैं वहाँ पर ये गंदगी फैलना नॉर्मल सी बात होती है। आयान ने सब्जी गिराई थी और ये देखिए नॉर्मल, अब मॉप लगाते तो काफ़ी मेहनत लगती, पोछना पड़ता, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर दे रहा है। टेबल मेरी काफ़ी गंदी हो रही थी, मैं इस टेबल को भी इसी से क्लीन कर रही हूँ, तो आप कहीं भी इसे क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। और ये देखिए पूरा टेबल में जितना कचरा था ये सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और सारा पोछा लगाने के बाद आप इसको आराम से क्लीन भी कर सकते हैं उसके पैड निकाल के। बेड के नीचे जैसे रोज़ रोज़ नहीं लगा पाते आप पोछा, तो बेड के नीचे क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। ये देखिए स्प्रे करके आराम से आप कर सकते हैं। आयान को भी शौक लगा है, वो भी करने में लगा है। तो इस स्पिन मॉप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा ही रूम क्लीन कर दिया है, जहाँ पर ट्रेडमिल रखी थी वो सारा सब कुछ साफ़ कर दिया है इसी से। तो यहाँ पर ये बटर मिल्क रखे हुए थे 3 पैकेट, जो कि थोड़े से खट्टे हो गए थे, क्योंकि जब ये थोड़ा सा 1-2 दिन के रखे होते हैं तो ये खट्टे हो जाते हैं, तो फिर वैसे नहीं पी सकते हो इनको, लेकिन इसकी कढ़ी वगैरह बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि कढ़ी बहुत ही खट्टी होती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इस बटर मिल्क का इस्तेमाल कर लिया है कढ़ी बनाने में। तो इस तरीके से फ्रिज में जितनी चीज़ें रखी थी वो मैंने सब धीरे धीरे यूज़ कर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर तो छील ही ली थी उसके लिए कढ़ी के लिए, और यहाँ पर मैं टमाटर भी थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े से पीस काट लेंगे। तो ये मटर टमाटर हरी मिर्च डाल के जो कढ़ी बनती है बहुत अच्छी लगती है। पकौड़े वाली कढ़ी तो अच्छी लगती लगती है, लेकिन इस तरह की जो मटर की बनती है बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं वही बनाने जा रही थी। किचन थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि अभी मैंने बहुत फैला रखा है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए ये सरसों का तेल डाला है, हींग जीरा डाला है, मेथी डाली है, हल्दी डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है काट के, उसके बाद ये मटर डाल दिए, मटर थोड़े से पका लेंगे, उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। तो हर एक सब्जी से मतलब गाजर की भी जैसे कढ़ी बन जाती है, तो जिन भी चीज़ों की आपको पसंद हो वो काट के आप डाल सकते हो, आलू भी डाल सकते हो। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर नरम हो जाएंगे तो मैं ये जो मैंने घोल के रखा है बेसन और ये डाल दूँगी, और बस पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कढ़ी चावल मैं बना रही हूँ आज बहुत दिन के बाद में, मन तो काफ़ी दिन से था लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और ये पूजा कर रहे थे, मैं भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेते हैं, जब जिसको टाइम होता है दोनों लोग ही कर लेते हैं। कढ़ी बॉईल होने लगी है तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, और आयान ये मोबाइल मेरे हाथ से ले गया खींच के, क्योंकि पूजा कर रहे थे तो उनका वीडियो बनाने के लिए ले गया था। तो ये देखिए कढ़ी बन के रेडी हो गई। इसमें ऊपर एक तड़का और लगाना है, थोड़ी पतली सी मैंने बनाई है, और यहाँ पर भगोने में चावल बनाए हैं, क्योंकि मैंने चावल का पानी निकाला है इसलिए भगोने में ही बनाया है। तो मैं ढक के रख दे रही हूँ, खाना अभी खाना नहीं है, हमें निकलना है। और ये पनीर बनाया था तो पनीर को भी मैं उठा के फ्रिज में रख दे रही हूँ। तो दोस्तों कढ़ी चावल बना लिया है मैंने, बना के रख दिया, लेकिन अभी कोई खा नहीं रहा, भूख नहीं लगी किसी को, क्योंकि चावल फ्राई किए थे वो खा लिए थे, तो लौट के आगे खाएंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आप लोग सोचते होंगे हमेशा डॉक्टर के पास क्यों भाग रहे हैं, तो जब जाना पड़ता है तो जाना ही पड़ता है। हो गया, चलो आते हैं हम बेटा, ब्लू वाला ले जाते हैं। हाँ ब्लू वाला तो खो गया, खो गया, हाँ। इतना बड़ा हम नहीं ले जाते बेटा। तो ये देखिए आयान मेरा बैग भी ले आया है पैक करके, और बस निकलते हैं। तो ये वाला बैग मैं ले नहीं जाती थी, बड़ा है तो वो वही ले आया है। तो बस चलिए पहुंचते हैं हॉस्पिटल, और क्योंकि जब हॉस्पिटल जाना होता है तो घर के काम भी जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। आयान गाना सुनते सुनते सो गया, ये देखिए। तो यहाँ आके हमने अभी नंबर लगाया है और अभी हम कर रहे हैं नंबर का वेट, जो कि अभी यहाँ पर लग जाएंगे लगभग 1 घंटे। तो 1 घंटे बाद हमने डॉक्टर को दिखाया,
उसके बाद फिर रिटर्न हुए, ऐसे ऐसे आते हमें शाम हो गई, और शाम को ये देखिए हमारी टीवी भी ख़राब है। कहते हैं ना एक बार में ही सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये टीवी नहीं चल पा रही थी क्योंकि इसका प्लग जो है वो फूक गया है, मतलब बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया। ये देखिए नई टीवी के हल हो गए थे, तो उन्होंने आके चेक किया तो उन्होंने कहा टीवी में ख़राबी नहीं है, प्लग ख़राब हो गया है, इसका जो पावर प्लग होता है तो वो कंपनी से रिटर्न होके आया, मतलब नया होके आएगा एक्सचेंज होके। तो अभी इन्होंने ये जो साथ लेके आए थे वो वाला लगाया है। तो दोस्तों क्या है कि इसका जो पावर प्लग होता है ना नीचे से, ये जो वायर होता है मेन, वो खराब हो गया है, वो जल गया, जिसकी वजह से टीवी ऑन नहीं हो पा रही थी। तो वो ये क्या अभी वारंटी में है टीवी, तो अब जब तक ये आएगा वहां से, मतलब जहां जाते हैं, हाँ तो 4-5 दिन लग जाएंगे, तब तक टीवी नहीं चल पाती। और हमारे टीवी वाले लेकिन ये भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने व्यवस्था कर दी, इनके पास जो वायर था उन्होंने दे दिया है कि आप जब तक नहीं आ जाता है न्यू वहाँ कंपनी से, तब तक आप ये यूज कर सकते हो। हाँ और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, तो मैं आ गई थी अपार्टमेंट के नीचे टहलने के लिए, और ये देखिए यहाँ पर गार्डन में ये कितना सुंदर पेड़ लगा हुआ है। ये पता नहीं है मुझे किस चीज़ के ये फल हैं, बट क्या यूज़ होता है, ये सिर्फ शो के लिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो मैं यहीं पे आ गई थी टहलने सुबह सुबह ही। ये देखिए सुबह सुबह फेस कैसा होता है, सुबह मैंने फेस देखा भी नहीं है, अपना फेस देखा ही नहीं शीशे में। आयान को उठाया चली आई, क्योंकि ये साइकिलिंग करने गए थे, बहुत दूर गए होंगे ये, तो मैंने कहा चलो हम लोग यहीं टहल आते हैं नीचे, तो मैं आयान को लेके आ गई। हाँ तो बस यहीं अपार्टमेंट के गार्डन में हम लोगों ने थोड़ा सा टहल लिया था, क्योंकि रोड खाली नहीं रहता इस टाइम पर। तो चलिए अभी बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आपको मिलते रहें। तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।